फर्स्ट विजिट पे हमारा कोई भी फ्लैट अगस्त में बुक करते हैं तो उसमें आपको मैं एक 32 इंच का टीवी जो है आपको गिफ्ट करूंगा, साथ में आपको एक झूमर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राजपूत श्री सिद्धार्था प्रॉपर्टीज से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूं वो 3 BHK का बिल्डर फ्लोर है, उत्तम नगर के अंदर फ्लैट है। अगर प्लॉट के साइज़ की बात की जाए तो 150 गज का प्लॉट है। इसमें हमने 75-75 गज के 2 यूनिट बना रखे हैं, फ्रंट और बैक साइड। आज जिस हम फ्लैट में खड़े हैं वो बैक साइड का फ्लैट है, ये हमने सैम्पल बना रखा है और इसमें अभी हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों फ्लैट अवेलेबल हैं। 6 यूनिट्स अभी इसमें अवेलेबल हैं। अगर इस फ्लोर की साइज़ की बात की जाए तो लगभग 75 गज का फ्लैट है, लिफ्ट कार पार्किंग के साथ 3 BHK बना रखा है। और मेन बात जो है वो है इसकी प्राइसिंग, बहुत ही कम प्राइस में हमने फ्लैट को जो है लॉन्च करा है। और अभी जैसे कि आप जानते हैं अगस्त का मंथ चल रहा है, रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे दोनों का ही त्यौहार चल रहा है, तो अभी अगस्त के महीने में अगर आप कोई भी हमारा एक फ्लैट बुक करते हैं तो उस पर मैं आपको एक LCD पैनल जो है गिफ्ट दूंगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी लोकेलिटी के बारे में। राजापुरी की लोकेशन के अंदर ये फ्लैट है, द्वारका से लगभग 200 मीटर के डिस्टेंस पे, और अगर हम उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो से बात की जाए तो लगभग 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा ये फ्लैट है। इसमें हमारे हम सिवल लाइन डली हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का हम कनेक्शन करके दे रहे हैं। इस फ्लैट में हम लोन की बात की जाए तो 90% आपका ईजिली लोन अवेलेबल हो जाएगा इस प्रॉपर्टी पे। साथ में जैसे कि आप जानते हैं हमारी हर प्रॉपर्टी पे प्रधानमंत्री आवास योजना की हम सब्सिडी आपको अवेलेबल करवाते ही करवाते हैं। अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ और भी बताना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारा ये फ्लैट है ये हमने सबसे मॉडर्न फ्लैट जो है डिज़ाइन करा है एक लो बजट के अंदर। नॉर्मली जो लोग चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमारा 3 BHK फ्लैट 35 लाख से अंदर अंदर हो, तो ये हमने 35 लाख के अंदर ही रखा है। और मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि हमने इसमें जो है किचन में भी काफ़ी अच्छा मॉडर्न वर्क करा है, साथ में लिविंग रूम में बहुत अच्छा डिज़ाइन करा है और बहुत चीज़ें इसमें एक्सटर्नल हैं। अगर इसकी पार्किंग की बात की जाए तो 150 गज की पूरी स्टील पार्किंग है। पार्किंग के अंदर हमने रूफ हाईटेक की टाइलें लगा रखी हैं, साथ में फॉल्स सीलिंग कर रखी है। पार्किंग में अभी काम चल रहा है इसलिए मैं पार्किंग के क्लिप्स जो है एंड में डाल दूंगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस बिल्डिंग का वॉक थ्रू। फ्रेंड, जैसे कि हम आगे अपने फ्लोर पर, सबसे पहले आपको लिफ्ट का एरिया दिखाऊंगा। अभी हमारा लिफ्ट का वर्क चल रहा है, लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर इसकी NOC वगैरह मिलकर हमें हम लिफ्ट चालू कर देंगे। साथ में जो लिफ्ट का आउटर पार्ट है इसमें पूरा टाइल वर्क करके देंगे, टाइलें लगा के देंगे। स्टेयरकेस दिखाऊंगा, इसके बाद पूरा राउंड स्टेयर के सामने चढ़ाया है, पूरा कंफर्टेबल जीना है। ये नहीं है कि बिल्कुल खड़ा जीना है कि आपको कंटिन्यूसली चलना है, हर 4-5 स्टेप के बाद आपको एक लैंडिंग मिल जाती है। साथ में हमने टाइल्स लगा रखे हैं, टाइल्स भी जो है वर्टिफाइड टाइल्स का हमने हर जगह यूज़ करा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ्लैट की तरफ। जैसे कि हमारा एंट्री डोर है, अगर इसके डायरेक्शन की बात की जाए तो नॉर्थ में एंट्री है। साथ में मैं आपको गेट दिखाना चाहूँगा, इस गेट पर हमने बहुत ही एक्स्ट्रा काम करा है। जैसे कि 8 फीट का गेट है, हैंडल लॉक दे रखा है, माइका इसमें दोनों तरफ मिल जाती है, ग्लोसी माइका है फ्रंट साइड और बैक साइड में। साथ में इसमें फ्रंट साइड में हमने MDF की फिटिंग्स लगवाई हैं कुछ, जो कि आपकी गेट की ब्यूटी को एनहांस करती हैं और बहुत ही अच्छी लुक देती है। चलिए हम एंटर करते हैं अपने लिविंग रूम की तरफ। मैं आपको लिविंग रूम दिखाऊँगा, लगभग ये 11x15 का लिविंग रूम है। लिविंग रूम की सबसे पहले जो मैं अट्रैक्टिव चीज़ है वो इसकी टाइल्स फ्लोरिंग, विट्रीफाइड टाइल्स से हमने यूज़ करा है और जिस तरीके से हमने डिज़ाइन में यूज़ करा है। नॉर्मली क्या होता है सारी टाइल्स से सीधी लगा दी जाती हैं, इसमें हमने ब्राउनिश टाइल के साथ में व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिया लिविंग रूम के अंदर स्पेशली, ताकि आपका लिविंग रूम जो अलग से हाईलाइट हो। साथ में लिविंग रूम में आपको एक डेकोरेटिव पार्ट मिल जाता है, ये हमारा डेकोरेटिव पार्ट हमने दिया, इसमें 3 लाइट्स मिल जाती हैं। अगर आप इसको मंदिर बनाना चाहें तो इसलिए आप मंदिर भी इसको बना सकते हैं, और अपना कोई भी फ्लावर पॉट वगैरह छोटी मोटी जो कि आइटम्स होती हैं उससे आप इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। 3D वॉलपेपर का यूज़ करा गया इस वॉल के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा लगता है, और हमारा जो वुड वर्क है उससे मैचिंग के ही हमने वॉलपेपर रखा है। साथ में आपको LED पैनल दिखाना चाहूँगा, ये हमारा LED पैनल का स्पेस है, हो जाए LED पैनल है, पूरा हाइट तक की LED पैनल है। साथ में आपको ऊपर आई वॉल लाइट्स मिल जाती हैं जो कि आपके LCD पे जो है फोकस करेंगी। साथ में LCD पैनल में भी हमने 4 स्लैब्स दे रखे हैं, स्लैब्स के साथ में ही आई बॉल लाइट्स लगा रखे हैं, जो भी आपका डेकोरेटिव बॉक्स सामान होगा उस पर इसका फोकस रहेगा। साथ में LCD पैनल में नीचे स्टोरेज दे रखी है, हमारा ड्रॉर है, स्टोरेज है पूरी। LED पैनल और गेट की माइक हमने सेम यूज़ करी है,
जितना भी वुडन वर्क है सारा सेम माइका में हमने यूज़ करा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारा कॉमन वॉशरूम जो कि लिविंग रूम से अटैच है। अगर इस वॉशरूम की साइज़ की बात करी जाए तो लगभग 4x7 का वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर बहुत ही हैवी फॉल्सलिंग का हमने यूज़ करा है। साथ में आपको सारी सैनिटरी फिटिंग्स कंप्लीट मिलेंगी। अभी हमारी फिटिंग्स लगनी रहती है। वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट दिया है, शाफ्ट का भी साइज काफ़ी अच्छा है। अगर नीचे फ्लोरिंग की बात की जाए तो एंटी स्किड्स टाइल्स का हमने इसमें यूज़ करा है। साथ में आपको टाइलें दिखाना चाहूँगा, पूरी रूफ हाइट तक की टाइलें हैं वॉल टू वॉल, और हमने टाइलों में भी बीच में डिज़ाइन देने दिया है। हमें आपको लिविंग रूम की फॉल्सलिंग दिखाऊंगा। जो हमारी लिविंग रूम की फॉल्सलिंग है बिल्कुल ही यूनिक डिज़ाइन की हमने फॉल्सलिंग इसमें डिज़ाइन करी है। साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने वॉलपेपर का यूज़ करा है वही हमने फॉल्सलिंग पे दिया है। थोड़ी सी नई लुक दिया फॉल्सलिंग के अंदर वॉलपेपर का यूज़ करके। स्प्लिट ऐसे की फिटिंग हमारे लिविंग रूम में है। कॉपर की वायर यूज़ करी है। अब मैं लेके चलता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम की साइज़ की बात की जाए तो 11x13 का बेडरूम है। बहुत ही अट्रैक्टिव वॉलपेपर यूज़ करा गया है। साथ में फॉल्सलिंग दिखाना चाहूँगा, बहुत ही स्टाइलिश फॉल्सलिंग हमने इसमें यूज़ करा है। और जैसा कि आपने हमारे लिविंग रूम में देखा हमने वॉलपेपर का यूज़ करा था फॉल्सलिंग के ऊपर, इसमें हमने करा फॉल्सलिंग के अंदर। साथ में आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग मिल जाती है इसमें। अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो विट्रीफाइड टाइल्स की हमने फ्लोरिंग दी है व्हाइटिश कलर में। यहाँ पे हमने स्प्लिट एसी के लिए एमसीबी दी है और नीचे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। टीवी का पॉइंट हमने यहाँ पे आपको प्रोविजन दे रखा है, आप इजिली अपना टीवी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और जितनी भी आप लाइटिंग्स देख रहे हैं सारी 2 साल की वारंटी के साथ में है। हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन का हमने फ्लैट डिज़ाइन कराई है, बहुत ही इंटीरियर में काफ़ी अच्छा कराए। तो ये हमारा किचन का फ्रेमवर्क है। किचन में एंट्री करने से पहले हमारा फ्रेमवर्क होता है। हमारे फ्रेमवर्क 2 काम करता है, एक तो हमारे डेकोरेशन के लिए, साथ में जो किचन मोस्टली लोग चाहते हैं कि हमारा ओपन किचन ना एकदम से, तो ये थोड़ा सा किचन को कवर्ड भी कर देता है। अगर इस फ्रेम की बात करी जाए तो पॉलिश हो रखे फ्रेम के ऊपर, पूरा वुडन फ्रेम है। साथ में कुछ ग्लास और MDF के हमने फिटिंग्स का यूज़ करा है। अब मैं लेके चलता हूँ किचन की तरफ। किचन के साइज़ की बात की जाए तो लगभग 6x8 का किचन है। किचन और लिविंग रूम में सेम हमने फ्लोरिंग यूज़ करी है। सबसे मेन किचन के अंदर हमने रेफ्रिजरेटर का स्पेस दिया है, जो मोस्टली हम देखते हैं ज़्यादातर फ्लैटों में रेफ्रिजरेटर का स्पेस नहीं निकल पाता किचन के अंदर। किचन के अगर मैं माइका की बात करूँ तो वाइट और रेड कलर के हमने इसमें माइका यूज़ करी है। साथ में आपको ऊपर लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे हम आपको चिमनी स्टो करके देंगे हाई सक्शन पावर की, ग्लास चिमनी रहेगी। और ये आ गए हमारे कैबिनेट्स, ये हमारी बास्केट्स हैं, पूरी मॉडुलर बास्केट है। साथ में ऊपर कैबिनेट्स हैं, यहाँ पे हमने RO का प्रोविज़न दिया है। अगर किचन की कैबिनेट की बात की जाए तो अंदर बाहर दोनों तरफ माइका का हमने यूज़ करा है। ऊपर भी आपको स्टोरेज के लिए काफ़ी मिल जाता है स्पेस। यहाँ पे हमारा सिंकेज एरिया आ गया, अभी टैप्स वगैरह लगने रहते हैं इसमें भी। अब मैं लेके चलता हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम के साइज़ की बात की जाए तो लगभग 10x11 का बेडरूम है। बहुत ही डिसेंट सा हमने वॉलपेपर का यूज़ करा है, एकदम लाइट थीम रखी हमने इस बेडरूम की। साथ में फॉल्सलिंग दिखाऊंगा, हैवी फॉल्सलिंग का यूज़ करा है। इसमें भी हमने फॉल्सलिंग के अंदर वॉलपेपर का यूज़ करा है, थोड़ा सा यूनिक कर देते हैं फॉल्सलिंग को। साथ में यहाँ पे हमारा टीवी के पॉइंट मिल जाते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दे रखी है। यहाँ पे आपके एसी के पॉइंट आ जाते हैं, अगर आप इजिली अपने इसमें विंडो एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको अटैच वॉशरूम दिखाना चाहूँगा। अटैच वॉशरूम लगभग 4x6 का वॉशरूम है। पूरा टाइल वर्क इसके अंदर कंप्लीट है। टाइल में भी डिज़ाइन दिया, डॉट कलर के टाइल्स का हमने यूज़ करा है। साथ में फॉल्सलिंग दे रखे किचन वॉशरूम के अंदर भी। बाथ फिटिंग्स अभी लगनी रहती हैं, वो सारी हम आपके आने से 2 दिन पहले ही कंप्लीट करेंगे। हम नहीं चाहते कि आपकी कोई भी फिटिंग जो है सेकेंड हैंड हो, कोई आपकी फिटिंग्स को यूज़ करें। हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ।
ये हमारा थर्ड बेडरूम है। अगर इस बेडरूम की साइज़ की बात करें तो 10x11 का ये भी बेडरूम है। वॉलपेपर बहुत ही डिसेंट लाइट कलर का वॉलपेपर यूज़ करा है, ब्लूइश कलर का वॉलपेपर है। साथ में फॉल सीलिंग में भी हमने सेम यही वॉलपेपर का यूज़ करा है। इस रूम में हमने एक अलमीरा दी है। अलमीरा का पहले मैं डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा। माइका का थोड़ा सा डिज़ाइन में हमने यूज़ करा है। अगर स्पेस की बात करें तो अलमीरा में भी स्पेस अच्छा है। आपको अलग अलग कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं ऊपर अपना सामान रखने के लिए। बीच में आपका हैंगिंग पार्ट आ जाता है। यहाँ पे एक ड्रॉ दे रखा है, साथ में नीचे हम इसमें शू रैक दे रहे हैं। यहाँ शू रैक है नीचे। अब बालकनी दिखाते हैं। इस रूम से अटैच एक बालकनी है। ये हमारी बालकनी होगी। बालकनी की साइज की बात करिए तो काफी अच्छी बालकनी है। लेंथ काफ़ी अच्छी है बालकनी की। स्टील जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं सारा 304 ग्रेड का है। 304 में जो हमारी जंगनी लगती है। साथ में हमने बालकनी में वॉशिंग एरिया दे रखा है। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। यहाँ पे हम आपको टैप लगा के दे रहे हैं। साथ में इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है और नीचे हमने ड्रेनेज दे रखी है। बालकनी भी पूरी टाइल वर्क का यूज़ करा गया है। अब आते हैं हम इस फ्लैट की प्राइसिंग के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस निकाला है। अगर हम इस फ्लैट की बात करें, बैक साइड का फ्लैट हमारा है सिर्फ 33.5 लाख रुपए का। 33.5 लाख के अंदर आपको इतना लग्जरियस फ्लैट मिल रहा है। और अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो 35 लाख रुपए का फ्रंट साइड का फ्लैट है। फ्रंट साइड में हमारा 20 फीट का रोड है और बैक साइड में हमारे 10 फीट की सर्विस लेन है। अभी इस बिल्डिंग में हमारे पास 6 यूनिट अवेलेबल हैं। टॉप फ्लोर सिर्फ हमारा सोल्ड हुआ है, उसके बाद अपर फर्स्ट सेकंड में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे फ्लैट्स की वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आपके जो हमारे व्यूज़ आ रहे हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है, इससे हम मोटिवेट होकर और भी आगे आगे फ्लैट ला रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ फ्लैट की। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें ताकि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो मैं अपने यूट्यूब पे नहीं डाल पाता बट मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो मैं भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको हमारी यूट्यूब की प्रॉपर्टीज़ पसंद ना आए किसी वजह से या आपके बजट में ना हो, तो आप वहाँ पे भी हमारी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। मैं भी वो आपके बजट में हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ये अगस्त का मंथ चल रहा है, अगस्त में हमारा सबसे पहले रक्षाबंधन आ गया है, साथ में हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। तो इसके लिए हमने एक ऑफर निकाला है। आप कोई भी हमारा फ्लैट फर्स्ट विजिट पे हमारा कोई भी फ्लैट अगस्त में बुक करते हैं तो उसमें आपको मैं एक 32 इंच का टीवी जो है आपको गिफ्ट करूँगा, साथ में आपको एक झूमर दूंगा। चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।